हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ LLB 3 ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2019। पेपर है फोर्थ लेबर लॉ सेकंड का, यह भी 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 90। अब बात करने वाले हैं, इसमें एक नोट दिया गया है। सबसे पहले उसमें बताया गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कुल 5 क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड बेनिफिट अवेलेबल इन द ESI एक्ट 1948, यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उद्देश्य व इसमें उपलब्ध लाभों का वर्णन कीजिए। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि नेक्स्ट पेज पर था। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी अथॉरिटीज आर प्रोवाइड इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, यानी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कितने प्रकार के प्राधिकारियों का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी फैक्ट्री अधिनियम 1948 में स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी क्या क्या प्रावधान है। अब बात करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट आर द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यानी बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का विस्तार तथा प्रयोज्यताएँ क्या हैं। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्क्राइब द अमेंडमेंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एज पर एक्ट नंबर 45 ऑफ 2009, यानी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में अधिनियम क्रमांक 45 जैसा कि वर्ष 2009 में संशोधित किया गया क्या हुआ है वर्णन कीजिए। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 7 की। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ कमिश्नर अंडर ईसी एक्ट 1923, यानी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत आयुक्त की नियुक्ति एवं शक्ति संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 8 की। Define the following in the Factory Act 1948, a worker बी occupier, यानी के कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ए कर्मकार, बे अधिष्ठाता। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 9 की। Under the Minimum Wages Act 1948, Define the following: A minimum wages, B living wages, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। A न्यूनतम मजदूरी, B जीवित मजदूरी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। Define the deduction and enumerate the deduction which can be lawfully made from wages अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। कटौती की परिभाषा दीजिए और बताइए कि कौन कौन सी कटौतियाँ वैध रीतियों से मजदूरी अधिनियम 1936 के अंतर्गत की जा सकती है। तो अब हम आपको पूरा पेपर दिखाने वाले हैं किस तरीके का पेपर आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है पेपर की वो मैं अपलोड करूं और आप उस तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए पेपर के साथ।